तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको भी फाउंडेशन शेड लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है या थोड़ी बहुत परेशानी होती है कि आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग, अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन बाय करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं समझ में आता है कि आप कौन सा फाउंडेशन बाय करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि मैम, मैं फेयर टोन में आती हूँ और मेरा अंडरटोन येलो है, मैं कौन सा फाउंडेशन बाय करूँ। मैं मीडियम टोन में आती हूँ, मेरा जो अंडरटोन है वो न्यूट्रल है, मैं कौन सा फाउंडेशन बाय करूँ। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैंने ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया है एंड इस वीडियो में मैं आपको मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस लिक्विड कलर फाउंडेशन के सारे शेड्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी कि अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन, अकॉर्डिंग टू योर अंडरटोन कि आप कौन सा फाउंडेशन शेड अपने स्किन टोन और अंडरटोन को अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आपका स्किन टोन क्या है और आपका अंडरटोन क्या है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं बहुत ही पहले एक वीडियो बना करके अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर और आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। सो फ्रेंड्स, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो उसका मैं सेकेंड पार्ट बना रही हूँ, अगर आपको वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसे जा करके देख लीजिएगा, आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपका स्किन टोन क्या है और आपका अंडरटोन क्या है। लेकिन फिर भी जो व्यूवर्स ये वाला वीडियो देख रहे हैं जिन्हें नहीं पता है, तो उसके लिए मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपका स्किन टोन क्या है और आपका अंडरटोन क्या है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अपने स्किन टोन की। सो फ्रेंड्स, इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन टोन देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ फेयर स्किन टोन के होते हैं, कोई लाइट स्किन टोन के होते हैं, किसी का स्किन टोन मीडियम होता है, कोई लाइट मीडियम होती है और कोई डार्क टोन का होता है। जैसा कि आप इस कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, पहले फेयर है, फिर लाइट है, फिर मीडियम है, फिर लाइट मीडियम है और फिर उसके बाद डार्क है। तो इस तरीके से जो शेड्स हैं वो शेड को कैटेगराइज किया गया है। अब बात करते हैं अंडरटोन की। अंडरटोन क्या होता है? सो फ्रेंड्स, अंडरटोन बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं, वार्म, न्यूट्रल एंड कूल अंडरटोन। वार्म अंडरटोन के जो पीपल होते हैं वो थोड़े से येलोइश होते हैं, उनका जो टोन होता है वो गोल्डन होता है, और कूल अंडरटोन के जो होते हैं वो थोड़ा सा पिंकिश टोन के होते हैं, एंड जो न्यूट्रल अंडरटोन के होते हैं वो थोड़ा सा कूल और थोड़ा सा वार्म टोन लिए होते हैं, मतलब उनमें थोड़ा सा पिंक और थोड़ा सा जो येलो है वो मिक्स होता है, मतलब बैलेंस होता है उनमें दोनों का। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से ज्वेलरी टेस्ट भी होता है कि अगर आप पर सिल्वर ज्वेलरी अच्छी लग रही है तो आप कूल अंडरटोन के हैं, गोल्ड ज्वेलरी अच्छी लग रही है तो आप वार्म अंडरटोन के हैं, और अगर दोनों ज्वेलरी आप पे अच्छी लग रही है तो आप न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद होता है वेन टेस्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो उस वाले वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जा करके देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस लिक्विड फाउंडेशन की। सो फ्रेंड्स, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इन टोन के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेड्स जो हैं वो दिए हैं, तो चलिए जानते हैं इन शेड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ही ज़्यादा फेयर हैं और आप कूल यानी कि पिंक कलर टोन में आते हैं तो आप 115 आइवरी ले सकते हैं। आइवरी जो है बहुत ही ज़्यादा कूल अंडरटोन के लिए फाउंडेशन है। एंड अगर आप फेयर हैं और आप वार्म अंडरटोन में आते हैं यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा येलो या गोल्डन टाइप का है तो आप 128 वार्म न्यूट के साथ जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं न्यूट्रल अंडरटोन वालों की। तो अगर आप फेयर हैं और आप न्यूट्रल अंडरटोन में आते हैं तो आप ले सकते हैं 120 क्लासिक आइवरी। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लाइट स्किन टोन वालों की। तो अगर आप फेयर से थोड़ा सा लाइट में आते हैं और अगर आप कूल अंडरटोन में आते हैं तो आप जा सकते हैं 130 बफ बीच के साथ। एंड अगर आप लाइट प्लस न्यूट्रल अंडरटोन में आते हैं तो आप ले सकते हैं 118 लाइट बीच एंड 125 न्यूट बीच। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मीडियम स्किन टोन वालों की। अगर आप मीडियम में स्किन टोन के हैं और आप कूल अंडरटोन में आते हैं तो आप ले सकते हैं 235 प्योर बीच। अगेन, अगर आप मीडियम स्किन टोन के हैं और आप वार्म अंडरटोन में आते हैं सो यू कैन गो फॉर 228 सॉफ्ट टैन एंड 238 रिच टैन। आप दोनों में से कोई भी फाउंडेशन शीट ले सकते हैं। एंड ऑल्सो, अगर आप मीडियम प्लस न्यूट्रल अंडरटोन में आते हैं तो आप ले सकते हैं 230 नेचुरल बफ एंड 310 सन बीज। अगेन, अगर आप मीडियम प्लस न्यूट्रल अंडरटोन में आते हैं तो आप ले सकते हैं 220 नेचुरल बीज। तो इन तीनों शेड्स में से आप कोई भी शेड जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डार्क स्किन टोन वालों की। अगर आपकी स्किन टोन डार्क है और आप कूल अंडरटोन में आते हैं सो यू कैन गो फॉर 338 स्पाइसी ब्राउन। एंड अगर आप डार्क प्लस वार्म अंडरटोन में आते हैं तो आप
जा सकते हैं 332 गोल्डन कैरमल एंड 340 कैपेचिनो। सो फ्रेंड्स, अगर आप डार्क प्लस न्यूटन टोन में आते हैं सो यू कैन गो फॉर 320 नेचुरल टैन, 330 टॉफी एंड ऑल्सो यू कैन गो फॉर 335 क्लासिक टैन। सो फ्रेंड्स, आपका स्किन टोन क्या है और आपका अंडरटोन क्या है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, होप यू लाइक इट। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हिट द बेल आइकन जिससे मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।